शशि थरूर ने पीएम मोदी के भाषण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम के उन आरोपों को गलत बताया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस में एक परिवार के अलावा किसी के योगदान को अहमियत नहीं दी जाती। मिस्टर मोदी whose party has and he himself has rarely given credit to the Congress today chose to say that we are not giving credit to some people. The truth is that I don't believe that's an entirely accurate criticism. तुर्की में शादी रचाने के बाद टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद दोनों सांसदों ने जय हिंद, जय बांग्ला और वंदे मातरम के नारे लगाए। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती एक साथ संसद भवन पहुंची। इसके बाद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। नुसरत जहां सवालों से बचते हुए आगे निकल गईं, लेकिन मिमी चक्रवर्ती ने अंदर दाखिल होने से पहले संसद की सीढ़ियों पर सिर झुकाया। इसके बाद वो आगे बढ़ी। दो दिन पहले तुर्की में शादी रचाकर लौटी नुसरत जहां ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। शपथ लेने के बाद टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने वंदे मातरम और जय बांग्ला के नारे भी लगाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। नुसरत जहां ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पैर भी छुए और सदन में मौजूद सांसदों को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। नुसरत जहां के बाद मिमी चक्रवर्ती ने भी बांग्ला भाषा में ही शपथ ली और वंदे मातरम और जय भारत के नारे भी लगाए। जय बांग्ला, जय भारत, वंदे मातरम। शपथ के बाद मिमी चक्रवर्ती ने भी लोकसभा अध्यक्ष के पैर छुए। चुनाव के बाद जब मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां संसद भवन पहुंची थीं, तो उनके कपड़ों पर कई बातें बनी। सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नुसरत जहां पर शादी का रंग चढ़ा दिखा। नुसरत जहां के हाथों में मेहंदी थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और उन्होंने सुहाग की चूड़ियां पहनी हुई थी। मिमी चक्रवर्ती भी सफेद सूट पहने थी। शपथ के बाद दोनों ने साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पीएम को गाली देने का आरोप लगाया है। गिरिराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस में केवल एक परिवार की बातें होती हैं। कांग्रेस जमीनी हकीकत से दूर है, उन्हें पता नहीं। वो प्रधानमंत्री को केवल गालियां देना जानते हैं और प्रधानमंत्री के सामने देश की वो जनता है जिनके आंखों में वो खुशियां देखना चाहते हैं। जब भी चर्चा होती है तो लोकतांत्रिक बातें नहीं होती, दल की बातें नहीं होती, दल के नेताओं की बातें नहीं होती, बातें होती तो केवल परिवार की बातें होती। पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल